हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर पिंक कलर के टॉप में बैठी है मेरी दोनों बेटियाँ। एक बेटी लेटी है, वो बहुत ज़्यादा छोटी है, और ये पिंक कलर के टॉप में दूसरी बेटी मेरी बैठी है। तो हमने नवमी की कढ़ाई की थी, तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद बच्चों ने भजन भी गाया था, उसका भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा गाया है। नवमी के नेक्स्ट डे ही, दूसरे दिन ही आता है दशहरा। तो आज हम सब बैठकर कर रहे हैं दशहरे की पूजा। हमारे यहाँ दशहरा इसी तरीके से पूजा जाता है, दशहरे की पूजा इसी तरीके से की जाती है, और मेरे मायके में भी दशहरा हम लोग इसी तरह दशहरे की पूजा करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से दशहरे की पूजा करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है दशहरे की पूजा का, ताकि आप लोग भी देख सकें और मुझे कमेंट करके बता सके कि हम लोग, आप लोग किस तरीके से दशहरे की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब बैठे हैं, और अभी वो पूजा स्टार्ट होने से पहले मेरे हस्बैंड अभी सत्या बना रहे हैं, और साथ के साथ मेरी बेटी कर रही है शैतानियाँ, इधर उधर वो घूम रही है, सबको परेशान कर रही है। आज मैंने उसको पहनाया था सूट, तो उसको सूट बहुत पसंद है, और साथ में दुपट्टा, तो वो उसको इधर उधर लेके घूम रही है। अभी हम लोग तोड़ रहे हैं जौ, इसको हम लोग जौ बोलते हैं, और इसको हम लोग कानों पे रखते हैं। जो भी घर की बेटी होती है ना, वो अपने भाई को कानों पर जौ रखती है, ये बहुत शुभ माने जाते हैं। ये देखिए, ये अभी मेरे हस्बैंड ने जौ तोड़े, और उसके बाद अभी फिर अंदर ले जाकर हम लोग रावण को और सबको ये जौ चढ़ाएंगे, जैसे चावल चढ़ाते हैं ना, उसी तरीके से ये जौ हम लोग चढ़ाएंगे। और छोटी सी पूजा होती है, और साथ में बही खाता लिखा जाता है। आई होप आप लोगों के यहाँ पे इसी तरीके से पूजा की जाती होगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर अभी बही खाता लिखा जा रहा है कि इसी तरीके से हम लोगों ने पूजा की। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।